बुलंद आवाज से जरा ज़ौक़ और शौक़ के साथ सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। निगाह परक नहीं, चेहरा आफताब नहीं, ये आदमी है परी से देखने की ताब नहीं। और बना के बना के आपको खालिक ये प्यार से बोला कि मेरा जवाब तो तू है तेरा जवाब। सरकार दी शान सुन के जिदे सीने च पई है ना ठंड, उच्ची आवाज ना कह दो सुभान अल्लाह। मेरा जवाब तो तू है तेरा जवाब नहीं। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तूने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने शाह दी ए मोहतरम, ए शाह दी ए मोहतरम, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं। नजर भी कैसे आता क्योंकि अल्लाह ने कोई यार बनाया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं। और हमारे बाबा जी बाबा खादिम मुसा रिजवी से किसी ने पूछा, जनाब आप जाते हैं बड़ी बड़ी महाफिल पर नजराना क्यों नहीं लेते, नजराना क्यों नहीं लेते, फीस आपकी कुछ नहीं है, तो वो क्या कहते हैं। मैं वो आपको एक जुमले में बताना चाहता हूँ बाबा जी ने क्या कहा। बाबा जी फरमाते हैं रसूल अल्लाह, फिर मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और वाकई बाबा जी का विशाल हो गया है, लेकिन हमारा ईमान है जो बैठे हैं रिजवी साहब के चाहने वाले उनका कीदा भी यही होना चाहिए कि बाबा जी कब्र में गए होंगे तो वहां क्या हुआ होगा। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने उन्हें हाथ लगाया ही नहीं। उच्ची कह
दो जिदा सीने च ठंड पै रही ना बुलंद वादन कह दो सुभान अल्लाह। फिर नकीरों ने उन्हें हाथ लगाया, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। फिर नकीरों ने उन्हें हाथ लगाया,